हेलो माइक चेक। चलो शुरू करेगा दोस्तों। आप लोगों ने कल का वो देखा क्या, ब्रह्मास्त्र का? यस। तो आप लोग भी वो देखना लेक्चर्स को, है ना, जिससे कि क्या है, रिवीजन होगा। और ये जो अपन अभी पढ़ रहे हैं गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब एंड एवरी वन सिटिंग ओवर हियर, तो ये जो है, दिस इज वॉट आई एम टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट सीरीज ओनली। वो क्या हुआ, आई स्टार्टेड दिस सेशन। आपको तो पता है अपन पहले से ही अपन स्टार्ट करें, तो बहुत सारे बच्चों का ऐसे रिक्वेस्ट था कि सर सारे सब्जेक्ट्स का भी होना चाहिए। सो विथ दैट इंटेंशन ये स्टार्ट करें। सो जो बच्चे आज पहली बार यूट्यूब पे ये सेशन को देख रहे हैं, तो उनको बता दूं कि अपने कितने पहले 3 लेक्चर्स हो गए, 4, कितने सेशन हो गए अपने, 4 सेशन। आज का 5th सेशन है, बराबर ना। सो पहले ऑलरेडी इस आईसीआई के एमसीक्यूज का सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे है। हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, और ये हमारा सिलसिला जारी ही रहेगा, ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट विथ टूडेज लेक्चर, मैं आप सबको बता दूं कि रिविजन लेक्चर ऑफ मतलब रिविजन मतलब ये रिविजन भी नहीं है ना, फास्ट ट्रैक भी नहीं है, इट इज इन बिटवीन, कि सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो। तो डिमांड सप्लाई और यूटिलिटी के लेक्चर्स जो है, मैं आज वो उसको अपलोड करूंगा, तो जिससे कि दिवाली ब्रेक में आप लोग ये लेक्चर्स आप देख सकते हो। वंस दिवाली वेकेशंस आर ओवर, तो अपने ये डिमांड सप्लाई और यूटिलिटी के खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक घर पे रिवाइज करके, सही है एकदम। उसके बाद फिर अपन वापस से लाइव मिलेंगे, क्योंकि दिवाली वेकेशंस में आप भी नहीं रहोगे, मैं भी नहीं रहूंगा यहाँ पे। सो तब तक अपनी पढ़ाई तो रुकेगी नहीं, क्योंकि अटेम्प्ट तो दिसंबर में है, दिवाली तो हर बार आएगा, अटेम्प्ट तो एक ही बार आएगा ना। नहीं सर, अटेम्प्ट भी नहीं ना, ऐसे नहीं ना। सो उस पीरियड में मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, आज ही चैप्टर खत्म करेंगे अपन, और फिर डिमांड सप्लाई यूटिलिटी दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसके मैं चैप्टर्स अपलोड कर दूंगा वन गो में। तो आपको रिविजन के हिसाब से वो देखना पूरे चैप्टर्स को अच्छे से। वंस दिवाली वेकेशंस आर ओवर विल बी बैक, एंड जो अपना बिजनेस साइकिल वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग रिवाइज भी करेंगे, एक बार समझेंगे उस चैप्टर को, और उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। उसमें ज्यादा कुछ एमसीक्यूज है नहीं, ठीक है। सो उस हिसाब से अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के सारे एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे, डिमांड सप्लाई यूटिलिटी चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। फिर वो होने के बाद हम लोग मार्केट के चैप्टर को रिवाइज करेंगे, समझा गया, मार्केट चैप्टर को रिवाइज करेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट को रिवाइज करेंगे, एक बार फिर से इजी हो जाएगा एमसीक्यू सॉल्व होने के बाद। और फिर अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा, देन विल डू द सेम फॉर बीसी के एज वेल, सही है। तो मोस्टली नवंबर तक अपन ये चलते ही जाएगा, मतलब मिड नवंबर तक तो ये सिलसिला चलते जाएगा, क्योंकि फिर 15 नवंबर तक ये काम चालू रखेंगे। उसके बाद फिर आपको सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, मतलब ये तो सेल्फ स्टडी ही है आपकी एक तरीके से, बट एक अकेले घर बैठ के पढ़ना उसके हिसाब से। ओके यस सर, सो दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड फॉर यू ऑल, है ना। तो आई बिलीव आपको इसका बहुत अच्छा फायदा होगा और होना ही चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। ओके चलो, सो हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, बहुत आगे आ चुके हैं हम लोग, इतने आगे आ गए कि हमारा आधा चैप्टर ये खत्म हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 42 हो गया ना रे बाबा, कल क्या बस क्या मजाक कर रहे तू, हाँ 43 बेबी। चलो सो क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ने तो दो भाई, मतलब इतना टशन, ठीक है। चलो सो विच ऑफ द फॉलोइंग, रुको एक बार, मेरे जो बच्चे हैं उनको तो एक बार बोल दूं कि सर आगे करके, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। एक सेकेंड ना, स्टार्ट कर रहे, मतलब स्टार्ट ही है, एक सेकेंड। या चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर आर कंसिडर्ड प्रोडक्शन। हाँ भाई, बट आगे के भी देखते पहले एक बार, क्योंकि यहां पे उन्होंने सिर्फ बोला है सर्विस यूटिलिटी, किसके लिए ये प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ विच यूटिलिटी,
सर्विस यूटिलिटी, प्रोडक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं ना, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड सर्विस यूटिलिटी. सो ये तो है सर्विस यूटिलिटी. वाह, मैन कैन क्रिएट मैटर. मैटर तो करते ही है ना सर, मैटर हो गया वैसा मैटर नहीं, ये अलग मैटर है. ठीक है, सो मैन कैन नीदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. द सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ आर कंसीडर्ड प्रोडक्शन? नो सर, क्योंकि इसके अंदर पैसा जो है ना, पैसा नहीं है, समझना, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. वेरी गुड. सो नो, व्हेन अ मैन क्रिएट्स अ टेबल ही क्रिएट्स मैटर. अरे इसके कितना मैटर के पीछे पड़ा है, पागल हो गया क्या? नो भाई, नो मैटर ओवर हियर, बिकॉज इट इज ओनली व्हाट कन्वर्जन. दिस इज कॉल्ड एज विच यूटिलिटी? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉर्म यूटिलिटी. दिस इज नॉट कॉल्ड एज मैटर, इट इज कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी. सही है ना एकदम? सो इसीलिए ऑप्शन 43 का कौन सा है दोस्तों? ए. चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों. कुछ बोलना होगा आपको? सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एमसीक्यू सीरीज, ये बहुत ईजी है, ये सारे एमसीक्यूज बहुत मजा आएगा आपको. Which of the following is a function of entrepreneur? Entrepreneur का काम क्या है? Business को start करना, yes sir. Risk को उठाना, yes sir. Innovation करना, yes sir. All of the above. ऐसे फिर exam में आपको ऐसे दिमाग में से गूंजना चाहिए, जो risk लेता है वो है entrepreneur, जो innovation करे वो है entrepreneur, और जो business को start करे वो है entrepreneur. सही बात है ना एकदम? राजपूत नहीं, एंटरप्रेन्योर की बात हो रही है ना. हाँ, सो बताइए दोस्तों, जो रिस्क उठाए वो है एंटरप्रेन्योर, जो इनोवेट करे वो है, और लास्ट में जो बिजनेस को स्टार्ट भी करे वो है एंटरप्रेन्योर. सो इजी, वेरी गुड सर. आगे बढ़ते हैं. इन डिस्क्राइबिंग अ गिवन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इन डिस्क्राइबिंग अ गिवन प्रोडक्शन, किसको डिफाइन करना है? जो अभी की जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, the short run is best described as lasting up to 6 months from now, up to 5 years, as long as all inputs are fixed, as long as at least one input is fixed. तो भैया short run, अभी logic अपने को पता है, short run is a period of time which is too short, जिसके अंदर no doubt technology is assumed to be constant. वन फैक्टर इज वॉट फिक्स एंड अदर्स आर वेरिएबल. तो आप समझने की कोशिश करो दोस्तों, ये ऐसा अप टू 6 माह नहीं भाई, 6 मंथ वगैरह ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा कैसा है ना. उसके बाद अप टू 5 ईयर्स, सर ये टाइम पीरियड की बात ही नहीं हो रही. कल भी एक क्वेश्चन देखा था अपन ने कि शॉर्ट टर्म ऐसा टाइम पीरियड के हिसाब से डिसाइड नहीं होता सर. सही है, ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड भाई, ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड, तो ये तो लॉन्ग रन में भी नहीं और शॉर्ट रन में भी नहीं है, बोलो ना कुछ. यस सर. सो एज लॉन्ग एज एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर 46. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. या इफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आर प्रेजेंट, कौन सा? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आर प्रेजेंट, देन इफ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज बाय 10%, आउटपुट विल ऑल्सो डिक्रीज बाय 10%. Decreasing returns, so output will decrease. Output will increase by 10%. Output will increase by less than 10%. And output will increase by more than 10%. अब ये क्या मामला है? अब यहां पे इसी एमसीक्यू को मद्देनजर रखते हुए, जब अपन रेगुलर क्लासेस में पढ़ रहे थे तब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला था, इनपुट दिया तो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट विल डेफिनेटली इंक्रीज बट द प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट विल वेरी. इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा. अब तुम क्या सोच रहे मेरे को नहीं मालूम, और मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं. इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा, बट कितना आएगा वो कभी कभी कम भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है, या ज्यादा भी आ सकता है, बट आउटपुट आएगा. दोस्तों प्रोडक्शन की बात हो रही है, आप कहीं और ना जाए, ठीक है, माहौल खराब मत करो आप, तो समझे बात को. सो हमेशा ध्यान में रखना, आउटपुट विल ऑलवेज इंक्रीज, समझे. कभी कभी जब बच्चे को वो कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं होता ना सर,
तो क्या होता है, वो बोलता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स में आउटपुट विल ऑल्सो डिक्रीज। समझा बात को, तो इमोशनल हो जाएगा वो। आउटपुट विल नेवर डिक्रीज, आउटपुट विल इंक्रीज भाई, आउटपुट विल इंक्रीज बट इट विल बी लेस देन प्रोपोर्शन टू इनपुट, देन इट इज कॉल्ड एज वॉट, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। आई बात समझ में? तो आंसर इज वॉट बोलना पड़ेगा आपको, आंसर इज वॉट सी। हे गाइस अंडरस्टूड क्या? तो समझो बात को, चलो कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करते हैं। 10% इनपुट दिया और 10% ही आउटपुट आया, बताओ उसको क्या बोलेंगे अपन? कॉन्स्टेंट। 10% इनपुट दिया एंड आउटपुट विल इंक्रीज, तो इसको क्या बोल रहे अपन? दिस विल बी वॉट? कॉन्स्टेंट। वेन आउटपुट विल इंक्रीज बाय मोर देन 10%, तो इसको क्या कहेंगे? इंक्रीज। दिस इज वॉट वी कॉल इट एज डिक्रीज। क्लियर एकदम? यस सर, बेस्ट। वापस से बता रहा हूं आपको, क्या आपको क्वेश्चंस अभी रीड करने में, उसके ऑप्शंस को समझने में अब आसानी हो रही है क्या? सच सच बोलना एकदम, बेस्ट है। द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड अनदर कॉम्बिनेशन दैट यील्ड्स द सेम आउटपुट, द हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट, द इंक्रीज इन आउटपुट जनरेटेड बाय वन यूनिट इंक्रीज इन वन आउटपुट, all levels of output that can be generated by those inputs। बहुत मजा आया है इसमें। अब ये प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना, ये का है? ध्यान से कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन, वो बोलता है यू हैव अ, हेलो, यू हैव अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, तुम्हारे पास दिए हुए इनपुट। On the other hand, what we talk about is output. क्योंकि production function के बोलता है बच्चा, quantity of output is equal to function of quantity of input. तो you have this given combination of input. बोलो yes. But अब इसको relate करना है किससे? इस quantity of output से। सही है ना? But ये output कैसा होगा? Same level का output? ना। हम लोग production function में क्या aim कर रहे हैं कि ये जो output है ना, ये जो आउटपुट है ना, सेम नहीं रहे। आप समझो, मेरे पास अगर इतना इनपुट है ना, इससे मैं क्या एम करेगा कि इससे मैं ज्यादा से ज्यादा कितना आउटपुट दे सकता हूं। देखो दो बातें हमने डिस्कस करी थी। मेरे पास अगर मुझे दिखता है कि मुझे इतना आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या सोचेगा प्रोडक्शन फंक्शन में कि यह आउटपुट अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपके पास कम से कम कितना इनपुट होगा लगेगा। इफ यू, मेरे को अगर 10 यूनिट का आउटपुट देने का है ना, तो मैं क्या सोचेगा भाई इस 10 यूनिट के लिए कितना कम से कम इनपुट लगना चाहिए। सही है? सो जब आउटपुट आपका डिफाइंड है, तो उसके लिए हम एम करेंगे कम से कम लगने वाला इनपुट। समझे बात को? सिचुएशन चेंज, मेरे पास ये इनपुट अवेलेबल है, तो क्या सोचेगा कि भाई ये जो मेरे पास गिवन इनपुट है, इससे मैं ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना चाहूंगा। समझ रहे बात को? तो प्रोडक्शन फंक्शन में हम ये एम करते हैं। वापस से एक बार आप दोहराएंगे, देखो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होना चाहिए, ऑप्शन क्या है वो भी समझ में आना चाहिए सर। सो बताइए दोस्तों, अगर मेरे पास ये आउटपुट का अमाउंट, नंबर, क्वांटिटी डिसाइडेड है, तो इससे मैं क्या एम करेगा? कम से कम इनपुट। अगर मेरे पास इतना इनपुट अवेलेबल है, मैं क्या एम करेगा? इससे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। व्हाट्स द आंसर ओवर हियर नाउ? बी। समझ में आया सबको? पक्की बात है एकदम? यस सर। सो दैट इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 47 बी। ओके, लेट्स गो अहेड दोस्तों। इफ इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज बिलो द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इट मस्ट बी ट्रू दैट, मतलब कैसा देखो ना, ऑफ लेबर वो जबरदस्ती ऐसा बोल के आपको बोलेंगे तू कंफ्यूज हो। मेरे को सिंपल बस क्या देखना है, इफ एमपी इज लेस देन एपी क्या होगा? इफ एमपी, इससे क्या हो गया निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है इसमें? इफ एमपी इज लेस देन एपी, अब लेबर का हो या किसी और का हो, मुझे क्या लेना देना है? समझ रहे बात को? तो क्या कहेंगे? द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव।
ऐसे केस में फिर से आप ना टेंशन में आ गए, आप बोलेंगे कि मैं कैसे क्या करे। नाउ यू नो वॉट टू डू, क्या करने का, फटाक से डायग्राम बना लेने का, टेंशन नहीं लेने का सर, है ना। सो यहां पे दोस्तों ये अपने को दिख रहा है, दिस इज एमपी, दिस इज एपी एंड बेबी टेल मी द आंसर, क्या दिख रहा है यहां पे, एमपी इज लेस देन एपी। सो मुझे क्या दिख रहा है, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग, नेगेटिव तो नहीं है, एवरेज प्रोडक्ट तो कभी नेगेटिव जाएगा नहीं, खत्म करो बात को। एमपी इज नेगेटिव, बट जरूरी है क्या नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। एमपी इज जीरो जरूरी नहीं है, जीरो भी नहीं, फॉलिंग है बट, तो इन अभी ये तीनों सही लग रहे, देखो ये नेगेटिव भी दिख रहा है यहां पे, सर ये जीरो भी हो रहा है यहां पे, और सर ये क्या है, मतलब ओवरऑल भले ही जीरो हो या ये हो, इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, सर इट इज फॉलिंग, क्या ये फॉलिंग, एपी इज फॉलिंग। सो व्हाट्स द आंसर, पक्की बात है, सोच समझ के बोल दो, 48 बोलो, व्हाट्स द आंसर, सी लॉजिकली समझ में आया, ये पक्की बात है यहां पे कि सर अगर एमपी इज बिलो तो हमारा रिलेशनशिप क्या बोलता है, एपी इज फॉलिंग, क्योंकि एपी, ये तो पक्की बात है ना, एपी मैक्सिमम पे था जब वो इक्वल थे दोनों, उसके बाद जब एमपी नीचे गया तो ये भी बात तुत्ती तय है कि एवरेज प्रोडक्ट हमेशा गिरेगा करके, बोलो यस और नो, यस दिस इज सो इजी, शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर, यस सर एक सेकेंड ना, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। चलो, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन एमपी ऑफ द लेबर, एपी मैक्सिमम पे कब होगा, डायग्राम रेडी है मेरे पास, इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, आई कैन नॉट आंसर, डायग्राम रेडी है, बताइए एपी इज मैक्सिमम कब, व्हेन एमपी इज व्हाट, बिना ऑप्शन पड़े बता दो, is equal to zero, is equal to AP, is when MP is maximum, come on guys tell me, ये ना answer, no sir, हाँ बोल रहे, is equal to AP of the labor, बराबर ना, अरे बोलो, yes sir, so that is question number 49, समझा क्या, मतलब आपको कभी कभी जो है ना, जो चिंता, चिंता जो आपको सताई जाती थी, वो क्या रहती थी आपको, कि सर हम लोग है ना डायग्राम बेस्ड कैसे आंसर, हम लोग कैसा क्वेश्चन आएगा, ये डायग्राम ऐसा देंगे नहीं आपको, वो आपको कॉन्सेप्ट और डायग्राम पता होना चाहिए, एग्जाम में आपने क्या करना है कि वो डायग्राम बना लेने का, देन आपको जो मेंटली आप चीजें इमेजिन करते थे वो करने की जरूरत नहीं है आपको, बेस्ट है सर, मजा आ गया। चलिए आप सेंचुरी पूरी करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के साथ, आर यू रेडी गाइस, यस सर। So, यहां पे लिखा हुआ है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ड्रॉन अंडर ऑल ऑफ द अजम्पशंस मेंशन्ड बिलो, ये वाला वर्ड पढ़ना बहुत, कभी कितने एमसीक्यूज देखे अपन ने, ये वर्ड एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये रीड करते आना चाहिए, क्या होता है जोश जोश में अपन आके ये चीजें मिस आउट कर लेते हैं, ठीक है, यस सर, एक्सेप्ट द अजम्पशन दैट द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, भाई यही आंसर मेरे को ऐसा लग रहा है, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट रे, गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अजम्पशन पड़े अपन ने, कि इट इज अज्यूम दैट द टेक्नोलॉजी विल रिमेन सेम, देर मस्ट बी सम इनपुट, अब किसी ने वो पढ़ा नहीं होगा तो भी कैसे डिराइव करना समझाता हूं, देखो द टेक देर मस्ट बी सम इनपुट्स हुज क्वांटिटी इज केप्ट फिक्स्ड, ये सही है बराबर, ये अजम्पशन है बराबर है कि नहीं, तो ये अपना एक्सेप्शन में नहीं आएगा, है ना, वी कंसिडर ओनली फिजिकल इनपुट्स एंड नॉट इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में यही बात होती है ना, क्योंकि भाई हम लोग कॉस्ट की जब बात करेंगे या उसकी प्रोडक्शन की, उसमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा वो थोड़ी देख रहे हैं हम लोग, सही है, तो यस फिर टेक्नोलॉजी इज दो दिया यहां पे, टेक्नोलॉजी के बारे में दो दिया, तो हमको समझ में इधर बच्चा 50-50 में यहां पे कंफ्यूज हो जाएगा, चेंजिंग है कि कॉन्स्टेंट है, तो इट इज कॉन्स्टेंट, सो आंसर इज व्हाट दोस्तों, ए, ओके, हाफ सेंचुरी पूरी हो गई है, आगे बढ़ सकते हैं यहां से, यस सर, चलो
क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन मालूम ही नहीं हमको तो। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट, रिलेशनशिप बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड वेरिएबल फैक्टर, नो। रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नो। रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एंड टाइम टेकन टू, नो। व्हाट इज द आंसर? ए। समझा गया? वेरी इजी। प्रोडक्शन फंक्शन में अपन देखो याद करने को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कितनी बार यही लिखूं मैं, आप समझ में नहीं आ रहा मेरे को। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट, बोलो ना कि, एंड इट इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप ना, कितना इनपुट दिया तो कितना आउटपुट मिलेगा, दैट इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप। लेट्स गो अहेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 52, लॉज ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्लूड returns to scale, law of diminishing returns to factor, law of variable proportion, least cost combination of factors, sure aap log kuch bhi, law of production, production mein to mere ko pata hai ye law of returns to scale to aata hai and law of variable proportions bhi aata hai, sahi hai, 50-50 ho gaya, मतलब मेरे को पता है कि ये दो चीजें तो इंक्लूड होती है सर। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर मतलब इनपुट एंड लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, अभी इनमें से 50-50 बताइए क्या करें, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, तो ये तो टेल मी 52 लॉजिक के साथ बताना है आपको लॉ ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा आधे बच्चों को नहीं आ रहा तो ईमानदारी से बोलो, नहीं आ रहा सर, नहीं पता, यही चीजें डिस्कस करने आए हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब भाई ये लॉज ऑफ प्रोडक्शन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी, अरे आपको पता है क्या, एक लॉ को दूसरा ये नाम है, नहीं मालूम? नहीं नहीं मालूम। लॉ ऑफ डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ऐसा एक स्टेटमेंट अपन ने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ऐसा मैंने कहा था उस समय पे कि एमसीक्यू के लिए आएगा करके। लॉ ऑफ नहीं, नहीं मालूम आपको, बोलो ना, नहीं मालूम सर, नहीं बोलना है क्या, कह दो, मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, नहीं ये तो अपने को उसके लिए ये खोलना पड़ेगा, क्या बोलते उसको, आप लोग आओ ना, मैं भी किताब खोलता हूं, क्या है सब चीजें देखना समझना, और क्या आंखों से देखा हुआ जब सामने दिखता है ना तो वो और मजा आता है फिर। चैप्टर है अपना थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, है ना, फिर उसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, वो पूरा खत्म होने के बाद ऐसा कुछ तो भी उसमें लिखा हुआ है कहीं तो भी, अपने बुक में भी है, अपने बुक में का पेज नंबर पता है आप लोगों, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एस एस, हाँ अरे सगा है बुक मधी पढ़ा है सर, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये देखो ये मतलब कैसा किधर से क्या आता ना समझ में नहीं आता, ये अपने को एक एक लाइन पता होना चाहिए अपने किताब का। इसके लिए देखो अगर हम लोग है ना, आप समझो बात को, सबको बता रहा हूं ये चीज, आप हजारों एमसीक्यू सॉल्व कर लो, गारंटी नहीं है कि एग्जाम में वैसा ही डिट्टो रेप्लिका एमसीक्यू आएगा करके,
बट इंपॉर्टेंट अगर क्या है, अगर आपको पूरा बुक थरली कॉन्सेप्ट आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या मतलब है, तो फिर आप कैसा भी एमसीक्यू आए, भले ही आपने सिर्फ 100 MCQs प्रैक्टिस करके गए, बट स्टिल आपको एग्जाम में मेजॉरिटी एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सही है एकदम, यस सर। सो ये रही बात, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वॉट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की जब बात होती है तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज वॉट, ऑल्सो दिस इज सिमिलर टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ये लिख के रखो चीजें, फिर से आपको याद दिला दूं, अपन सिर्फ यहां पे करेक्ट ऑप्शन को टिक करने के लिए नहीं मिले हैं। ये चीजें आप कभी खुद से के नहीं करोगे इतना रिसर्च, आप बोलोगे पीछे आंसर ये है ठीक है मैं तो इसको रट के जाऊंगा एग्जाम में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्या चीज है, ऑप्शंस भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन वही रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी ऑप्शन वही रहेंगे, क्वेश्चन चेंज कर देंगे, बच्चा क्या होता है ऑप्शन रट के जाता, ये इसका ये 4 ऑप्शंस में से ये आंसर होता है, ऊपर क्वेश्चन क्या करता है अलग आ गया तो भी रटा हुआ क्या है ये ऑप्शन है खत्म। हाँ फिर बराबर हो जाता, फिर घर में फिर माता चिल्लाती, फिर जय माता दी करके आए थे। एन आइसोकॉन शोज, चलो एन ऑल द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ, अरे वो क्या बोल रहा, मतलब हाँ कॉमेडी कर रहा है अपना, ऑल द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट कैन बी, इनपुट को प्रोड्यूस करेंगे आउटपुट को लेके, वाह मतलब एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स अमंग विच प्रोड्यूसर इज इनडिफरेंट बिकॉज दे यील्ड द सेम प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं ना, वी वॉन्ट वॉट इज सेम आउटपुट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, वी आर टॉकिंग अबाउट आउटपुट, दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। उसके बाद अगर देखो अभी इधर क्या बोला, बहुत बी एंड सी, बी है क्या तो इसको हटा दो, सही है ना एकदम, यस सर। सो 53 का आंसर क्या हो गया दोस्तों, समझा गया कैसे, अपन ने डी को कैसे एलिमिनेट कर लिया समझ में आएगा आपको, अगर बी मेरे पास है ही नहीं तो इधर नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, बोथ बी एंड सी, क्योंकि बच्चे को कंफ्यूज करेगा, एन अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स दैट यील्ड द सेम टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मतलब क्या आउटपुट, तो बच्चे को कंफ्यूज कैसे करेगा, अरे आउटपुट भी सेम और प्रॉफिट भी सेम, ऐसा भी हो सकता है, तो दोस्त वो क्या करेगा बी एंड सी सोचेगा वो, तो आपको ये शॉर्ट शॉर्ट पता होना चाहिए कि बॉस इसका आंसर बी नहीं है, समझ रहे बात को। आइसो कॉन्स में एक बात पक्की है कि वी आर फोकसिंग अपॉन द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी अबाउट इट, समझेगा, यस सर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट बिकॉज एज अ फर्म इंक्रीजेस इट्स साइज, ध्यान से सुनना किसके बारे में पूछ रहे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सो एज द फर्म इंक्रीजेस इट्स साइज इन द लॉन्ग रन लेबर एंड मैनेजमेंट कैन स्पेशलाइज इन देयर एक्टिविटीज मोर, बोलो यस, इसको कौन सी इकोनॉमीज बोलेंगे ये मैं आपको पूछूंगा, क्योंकि अगर आगे चल के क्वेश्चन आया कि लेबर एंड मैनेजमेंट कैन स्पेशलाइज इन देयर एक्टिविटीज इन द लॉन्ग रन, दिस इकोनॉमी इज कॉल्ड एज, हाँ ये भी पता, ऐसा भी समझ समझेगा बात को, ये भी अपने को समझ में आना चाहिए कि इसको क्या बोलेंगे अपन, मैनेजेरियल इकोनॉमीज, बोलो ना ऐसा लिख के रखने का, मैनेजेरियल इकोनॉमीज, क्लियर एकदम, यस। एज अ लार्जर इनपुट बायर द फर्म कैन गेट फाइनेंस एट अ लोअर कॉस्ट एंड परचेस इनपुट एट अ लोअर कॉस्ट पर पर यूनिट, इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सी इकोनॉमीज है भैया, एज अ लार्जर इनपुट बायर अ फर्म कैन गेट फाइनेंस एट लोअर कॉस्ट एंड परचेस इनपुट एट अ लोअर पर यूनिट कॉस्ट, क्या बोलेंगे इसको, कौन सी इकोनॉमी, बोलो ना तो कॉन्फिडेंस दिखाओ, एग्जाम में ऐसा कैसे चलेगा भाई। सो इसको अपन क्या बोलेंगे, कमर्शियल भी बोलेंगे और ऐसा फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स वगैरह भी कुछ है क्या ऐसे, कि इसमें ही आता है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स भी है ना,
सो इसको कमर्शियल, मतलब ये जो है लोअर फाइनेंस, इसको बोलेंगे फाइनेंशियल इकोनॉमीज, और लोअर कॉस्ट इसको बोलेंगे जब बल्क बाइंग करते हैं। कुछ याद आता है क्या आपको, जब बल्क बाइंग करते तो अपने को कॉस्ट पर यूनिट कम पड़ता है ना अपने को, सो इट इज अ कमर्शियल इकोनॉमी। सो फाइनेंशियल एंड कमर्शियल इकोनॉमीज, ये इंटरनल इकोनॉमीज की बात हो रही है ना, बोलो यस और नो। एंड अ फर्म कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, तो ये कौन सा हो गया, टेक्निकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बोलो यस और नो। तो आंसर इज व्हाट, 54D। दोस्तों ये ऑप्शंस का कौन सी इकोनॉमी है ये अपन क्यों लिख रहे हैं, आप समझ में आया कि आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको बोलेंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, बोलेंगे आपको मैनेजरियल इकोनॉमीज इज और एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ, वो नीचे आपको चार ऑप्शंस यही होंगे, समझे क्या बात को। तो ऐसे आपको वो भी पता होना चाहिए कि मैनेजरियल इकोनॉमी को कैसा प्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्निकल को कैसा बोल सकते हैं, फाइनेंशियल या कमर्शियल को कैसा बोल सकते हैं। क्लियर है बात एकदम, यस सर। द प्रोडक्शन फंक्शन फिर आ गया, द प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज्ड एंड द रिजल्टिंग क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, टेल्स अस द मैक्सिमम अटेनेबल आउटपुट फॉर अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, Expresses the technological relationship between input and output of the product. So 55 becomes what? All of the above. It's very simple. अब आपको production function का फिर आपको तो समझ में आ ही गया है, अभी कोई tension नहीं है. So 55 का answer is D. चलो. The production process describes below exhibits. Number of workers output. तो ये output जो है आपको कैसा दिया हुआ है, ये TP दिया हुआ है. आप यहाँ पे निकाल लो MP. कितना हुआ ये 17 and 10, बताइए। सो व्हाट इज द एमपी ओवर हियर, ये सामने है ना अपना, आप बताओ वेदर इट इज कांस्टेंट एमपी है क्या, नाउ डिमिनिशिंग एमपी है क्या, यस। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है क्या, एंड इंक्रीजिंग, देखो कांस्टेंट तो ना है, इंक्रीजिंग एमपी भी ना है, अब डिमिनिशिंग एमपी बोलो या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलो, अब बोलो क्या करना है। एपी 0, 23, 20 एंड 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 16.66, एपी यही आएगा ना गाइस, हेलो ना, अब बोलो बताइए कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में है क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, बोथ एपी एंड एमपी आर राइजिंग, अरे बोलो ना साहब, तो ये भी नहीं है, समझ में आना चाहिए सर ये सब चीज़ें, तो इसके लिए आंसर इज व्हाट, बी। समझ में आया क्या, पक्का, यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, रेंट इज फिक्स्ड और वेरिएबल, रेंट फिक्स्ड है वेरिएबल, फिक्स्ड, वेज इज पेड टू द फैक्ट्री लेबर, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोड फाइनेंस फाइनेंशियल कैपिटल, पेमेंट ऑन लीज फॉर फैक्ट्री इक्विपमेंट, सब सेम है, इंटरेस्ट, वेजेस, रेंट, क्या बोलना है, रेंट पर मंथ और फॉर अ पीरियड इज फिक्स्ड, इंटरेस्ट पे कुटे गए, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन बोरोड, ये इंटरेस्ट का अमाउंट भी फिक्स्ड है, प्रिंसिपल फिक्स्ड है इसके लिए, पेमेंट ऑन द लीज, लीज मतलब इसका रेंट हो गया ना ये, तो ये भी फिक्स्ड है, सो दिस इज वेरिएबल। 57 का आंसर इज व्हाट, बी। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, 58, The efficient scale of production is the quantity of output that minimizes. बताइए, efficient scale of production, efficient scale of production वो ऐसा quantity of output है जो आपका कौन सा खर्चा minimize करे, कि भाई इस पे production कर, ये efficient है, which minimizes your average fixed cost, average total cost, average variable cost or marginal cost.
एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन। आप मुझे बताइए, देखो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, इसमें सिंपल है। आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एग्जाम में हो, आपको ये पता नहीं सर ये क्या होता है, तो ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि सर हमने तो कभी ऐसे, हमने तो सर शटडाउन पॉइंट पढ़ा था, हमने तो सर ये पढ़ा था कि कौन से स्टेज पे प्रोडक्शन होगा, बराबर है कि नहीं। हमने बोला था कि स्टेज वन और स्टेज थ्री में, स्टेज वन में रुकेंगे नहीं और स्टेज थ्री में जाएंगे नहीं, बिकॉज दोज आर द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी और इकोनॉमिक नॉनसेंस, ऐसा पढ़ा था हमने। बट अब ये सवाल क्या आया कि एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऐसा है जहां पे जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आपका कौन सा खर्चा मिनिमाइज करे, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब आप बताइए, अगर साहब आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक लेवल ऑफ आउटपुट बना रहे हो, आप क्या कहोगे कि भाई दिस इज द एफिशिएंट बेस्ट स्केल ऑफ प्रोडक्शन, यहां पे जहां मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट कम है, नहीं क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट भी कंसीडर करूंगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर करूंगा नहीं, मैं एज ए बिजनेसमैन ये चाहूंगा कि मेरी मेरे पूरे खर्चे कम से कम हो पर यूनिट। अरे बोलो ना, नहीं, व्हाट आई विल एम फॉर इज कि मेरा फिक्स्ड भी वेरिएबल भी दोनों क्या हो, कम से कम हो। भाई तब कहूंगा कि हम लोग एक ऑप्टिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे है भाई, बराबर, जहां मेरा ओवरऑल खर्चा कम है। सो इसीलिए हमारा आंसर यहां पे क्या होगा सर, बी, 58 आंसर इज बी। क्लियर एकदम? यस। इन द शॉर्ट रन, इन द शॉर्ट रन द फर्म्स प्रोडक्ट कर्व शोज दैट, शॉर्ट रन की बात हो रही है, ध्यान देना, इन द शॉर्ट रन द फर्म्स प्रोडक्ट कर्व्स, प्रोडक्ट कर्व्स बच्चे को बताया नहीं, प्रोडक्ट कर्व्स किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट कर्व्स मतलब कौन सा, टीपीएपी एमपी, दीज आर द प्रोडक्ट कर्व्स, लिखो ऐसे नहीं, हूं मत करो, प्रोडक्ट कर्व्स मतलब कौन से कर्व, टीपीएपी और एमपी, बच्चे को पता नहीं तो ये सर कौन से प्रोडक्ट कर्व्स की बात हो रही, सही है। द टोटल प्रोडक्ट, अभी देखो फिर क्या, वापस से प्रोडक्ट कर्व्स की बात करें तो फिर क्या करूंगा मैं, कुछ तो बोलो ना, ये कौन सा है टीपी, ये है एपी एंड ये है एमपी। अब देखो इसके हिसाब से कौन सा मैच होता है, यहां पे टीपी बिगिंस टू डिक्रीज व्हेन एपी बिगिंस टू डिक्रीज बट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट। ऐसा ध्यान से पढ़ने का एकदम अच्छे से, टोटल प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज व्हेन एपी बिगिंस टू डिक्रीज, नहीं रे, जब एमपी गिरना चालू होता है ना, कुछ याद है आपको ऐसा, ये वाला टीपी गिरता कब है, जब एमपी जीरो है ना, अरे बोलो ना, वहां से टीपी गिरना चालू होता है, सही है ना। सो टीपी बिगिंस टू डिक्रीज व्हेन एवरेज प्रोडक्ट बिगिंस टू डिक्रीज बट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, नहीं, आगे, व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी हियर एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग बट एट इट्स हाईएस्ट, नो, हियर एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, नो सर, एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो ये भी नहीं है, आपको कंफ्यूज हो रहा है क्या, नहीं तो आप आंसर दे दो इसका खुद से सोच के। व्हेन एमपी कर्व कट्स एवरेज प्रोडक्ट कर्व फ्रॉम बिलो, ये तो ऊपर से कट कर रहा ना, सो बिलो कैसे हो गया, ये रहा है, इन स्टेज टू टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट एंड रीचेस मैक्सिमम एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, क्योंकि ये यहां पे टीपी मैक्सिमम पे होता है व्हेन एमपी इज व्हाट, जीरो, करेक्ट एकदम, यस सर। सो व्हाट्स द आंसर, 59 का आंसर इज डी। शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर, चलो
अ फिक्स्ड इनपुट इज डिफाइंड एज, वाओ चलो यू रीड एंड गिव मी द आंसर, किसकी बात हो रही है, फिक्स्ड इनपुट इज डिफाइंड एज दैट इनपुट हुज क्वांटिटी कैन बी क्विकली चेंज्ड इन द शॉर्ट रन, हाउ देन इट कैन बी फिक्स्ड, दैट इनपुट हुज क्वांटिटी कैन नॉट बी क्विकली चेंज्ड इन द शॉर्ट रन इन रिस्पॉन्स टू द कंपनीज चेंज इन प्रोडक्शन। यस हम लोग शॉर्ट रन में इसको तो चेंज नहीं कर सकते, ये लग रहा है, आगे पढ़ते हैं। दैट इनपुट उस क्वांटिटी कैन बी इजिली चेंज, अरे ये रहा है क्या रे, ये कैन बी चेंज बोला मतलब वो वेरिएबल हो गया ना। दैट इनपुट उस डिमांड कैन बी, अरे कितना भाई या तो ऑप्शन दिए रे, ये तुमको समझ में आया क्या, मतलब उन्होंने सब जगह क्या बोला, देखो कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड, अरे भैया फिक्स्ड वो होता है विच कैन नॉट बी चेंज्ड। एपी इज डिफाइंड एज, बोलो बहुत डिफिकल्ट है ये तो, टीपी डिवाइडेड बाय टीसी, टीपी डिवाइडेड बाय एमपी, टीपी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स एंड एमपी, फालतू क्वेश्चन। देखो अपने 61 क्वेश्चंस हो गए सर, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, चलो 62। After the inflection point, कुछ याद आता है ऐसा, ये inflection point point? नहीं सर, एक बार फिर से हो जाए। Inflection नहीं, ओए ऐसा कुछ बनाया था ना अपन, इस पॉइंट से क्या होगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बोलो ना कुछ तो, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहां पे क्या होता है, टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, एमपी इज एट इट्स हाईएस्ट, सही बात है। आफ्टर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, greater use of variable input induces reduction of the MP. Yes sir. बोलना पड़ेगा हाँ या ना, नहीं पता तो बोल दो नहीं पता। Point of inflection के बाद से और अगर variable input लाएंगे तो आपका MP क्या होगा, MP गिर रहा है ना यहां से, उसके गोदी में बैठ, बैठना तो बैठ जा, नहीं फिर बाजू में आके बैठ, इधर कंट्रोल ही नहीं हो रहा तेरे को, कितना प्यार आ रहा तेरे को, तू बुक नहीं लाया तो है ना, फिर तू क्या कर रहा है इतना बार बार, फिर उसके इतना ऐसा एकदम कितना डिस्कस करेगा कान में घुस के, वो बोल रहा मेरे को सर उसको बिठाओ बाजू में, तब जाके मैं बिठाया, क्या दोस्ती तेरी, चलो ध्यान दो, चलो। सो एमपी इज वॉट, यहां से एमपी क्या होगा सर, एमपी विल फॉल, सही है, बिफोर रीचिंग द इनएविटेबल पॉइंट, ओए होए होए, ये कौन सा पॉइंट है सर, बिफोर रीचिंग द इनएविटेबल पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑब्टेन्ड कैन इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, बताइए अरे कहा है ये ऑप्शन, जरा आप बताइए, आपसे गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग, बिफोर रीचिंग दैट इनएविटेबल पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, कहां है ये डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ये जो है फर्स्ट स्टेज वा, ये कौन सा है, ये फर्स्ट स्टेज, ये जो है सेकंड स्टेज, बिफोर रीचिंग द इनएविटेबल पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑब्टेन्ड
कैन इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। अरे बताइए मुझे डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स कहां से आते हैं? वो इनेविटेबल पॉइंट ऐसा भारी भारी वर्ड देख के डरो मत। अरे कहां से भाई, कहां से डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स शुरू होते हैं बताइए तो सही। अरे यही वो इनेविटेबल पॉइंट है जहां एमपी मैक्सिमम है, उसके बाद तो एमपी तो गिरते ही जा रहा है ना, और यहां इसके बाद से टीपी बढ़ता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। हा ना, वो बोलता है इस इनेविटेबल पॉइंट के पहले, हेलो, वो ये बोलता है कि सर इस इनेविटेबल पॉइंट के पहले पहले आपका टीपी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बट एट विच रेट? ढोकले, इंक्रीजिंग रेट। यहां तक तो, इधर तक तो आपका इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है ना, बिफोर। अरे इधर देख 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 देख, क्या लिखा है इधर? बिफोर लिखा है ना। अरे भैया तो वो इज्जत दो उसको। बिफोर रीचिंग द डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, उसके पहले क्या है? द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट ऑब्टेन कैन इंक्रीज एट उस पॉइंट के पहले। बच्चा क्या सोचता है, शायद उसके बाद की बात हो रही है तो वो बोलेगा नहीं नहीं ये फॉल्स है। यहां पे इस बिफोर को इज्जत देना है। बच्चा हैंग कहां होता? भैया वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पड़े थे, ये इनेविटेबल पॉइंट कौन सा? यू गेटिंग माई पॉइंट? द इनेविटेबल पॉइंट। हेलो, बोलो ना कुछ। यस, समझा गया इसे? हाँ, तो दोस्तों आप समझने की कोशिश करो, उस इनेविटेबल पॉइंट मतलब वो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, उस पॉइंट के पहले पहले हमारा जो टीपी है वो कैसा रहेगा? वो इट विल बी इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। तो यही लिखा है ना यहां पे, वो बिफोर वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है मालिक। सही है एकदम। द फर्स्ट स्टेज करस्पॉन्ड्स टू द रेंज इन विच एपी इज इंक्रीजिंग एज द रिजल्ट ऑफ यूटिलाइजिंग इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल इनपुट। फर्स्ट स्टेज में एपी इज इंक्रीजिंग ना, थ्रू आउट इट इज इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि सर हमारे जो वेरिएबल इनपुट्स है उसका बेटर यूटिलाइजेशन होते जा रहे हैं ना। सही है ना एकदम? यस सर। सो व्हाट इज द आंसर? 62, ऑल ऑफ द अबव। समझा गया? एक बार जरा उन ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा सर प्लीज। ऑप्शंस को रीड करते आना जरूरी है, समझना जरूरी है, एक एक ऑप्शन को समझ के सिलेक्ट करना है, इसलिए एक एक ऑप्शन को अपन इतना डिटेल में रीड कर रहे हैं। हर्षद सर पढ़ाते तो ऐसा मतलब सिर्फ वैसे ये नहीं, अपन उसको डिटेल में एंड तक उसका मतलब पोस्टमार्टम करते हैं उसका अपन, तो चाहे कोई भी लेवल पे कौन सा भी सब्जेक्ट पढ़ो अपन। हे गाइस, नहीं मैं आपको 63 की बात नहीं कर रहा हूं, 62 के ऑप्शंस पढ़ो बोल रहा हूं एक बार। आप लोग कहां चले गए? 63 पे चले गए आप? नहीं नहीं नहीं, नहीं मत जाओ, ऐसे छोड़ के मत जाओ मेरे को। 62 के ऑप्शंस एक बार समझ लो, कहीं कुछ दुविधा है तो पूछो, आज मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे आज इंटर की क्लास नहीं है, तो मैं तुमको आराम से लेट लेट के पढ़ाऊंगा आज, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। घर वालों ने तो बोल दिया तू जा भाई, कोई कुछ भी तेरा घर में रहते हुए भी तेरा फायदा नहीं है, कुछ काम साफ सफाई तो कर रहा नहीं तू, घर में दिवाली की साफ सफाई चालू है, मेरे को बोलते तू कर ले, मैं बोला नहीं जाने लेक्चर में, तो है ना, तो अपन तो साफ सफाई में हाथ तो बटा रहे नहीं, तो घर वालों ने भी बोल दिया तू कुछ काम कर नहीं है तू जा लेक्चर ही ले, तो खत्म हो गया आज फुल डे तुम्हारे साथ। 62 ऑल सेट बोलो ना? यस सर। चलो 63 एमपी, अरे थांबा ना मेरे को तो पढ़ने दे। एमपी मैथमेटिकली इज अ स्लोप ऑफ टीपी एपी एमपी इम्प्लिसिट। ओह वाह, चलो बताओ मार्जिनल प्रोडक्ट मैथमेटिकली इज अ स्लोप ऑफ बताना है आपको भैया लॉजिक, अगर आप ऑप्शंस
मार्जिनल प्रोडक्ट इज अ स्लोप ऑफ टीपी एपी एमपी. मार्जिनल प्रोडक्ट इज अ स्लोप ऑफ एमपी कर्व. बच्चा तो बहुत खुश हो जाएगा 63 को पढ़ के. हाँ ना एमपी सर, एमपी का स्लोप ये एमपी प्रोडक्ट का कर्व है. इट्स सो इजी. ये ऐसा मतलब ऐसा ना ये कॉन्फिडेंस में आके एग्जाम में क्या फालतू क्वेश्चन पूछा, एमपी इज अ स्लोप ऑफ एमपी कर्व. ये बहुत जरूरी है समझो. आंसर क्या है? आंसर इज ए. क्योंकि समझो टीपी के दो बच्चे हैं, एक है एपी और दूसरा है एमपी. एपी इज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ टीपी एंड एमपी इज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन मेड टू टीपी मैथमेटिकली. ये मैथमेटिक्स. अरे मैथमेटिकली पूछा ना, ये दिखाया ना डिवीजन एडिशन मैथमेटिकली. ये रहा सामने लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट. इसीलिए तो अपन इतना डिटेल में पढ़ना है अपने को. सो मैथमेटिकली समझा गया क्या हो सर? हाँ टकली नहीं, मैथमेटिकली. सो आंसर इज व्हाट 63 का ए. लिख के रख रहे उम्मीद कर रहा हूं जो अपन डिस्कशन कर रहे हो, क्योंकि आप सोचते होंगे बाद में घर जाके वापस ये लेक्चर देखूंगा, इतना टाइम नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट भी है और आपको ठीक है ना, सिर्फ इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर नहीं लाने आपको. मैं तो बोलेंगे सर मैं तो 90-95 प्लस लेके आऊंगा इकोनॉमिक्स में, बाकी ठीक है देख लेंगे. ऐसा नहीं, सबको इज्जत बराबर देनी है. चलो 64. सपोज द फर्स्ट फोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट जनरेट्स द टोटल आउटपुट ऑफ 200, 350, 400 250 एंड 500. The MP of the third unit of the output is कैसा करने का इसको TP ऐसा लिखने का 200, 350 बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का 500. तो अपने को क्या पूछा है? MP 200, फिर उसके बाद ये कितना हुआ 150, ये कितना हुआ 150. हाँ अब बताओ आंसर. देखो उन्होंने चार ऑप्शन बराबर ये दी, 200, 150, 150 बराबर चार ऑप्शन यही है. देखो आप बताओ. सपोज फर्स्ट फोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट जनरेट द करस्पॉन्डिंग टोटल आउटपुट्स, द एमपी एट थर्ड यूनिट इज व्हाट? 100. बोलो ना पक्का. इट वाज सो इजी. 64 का आंसर इज व्हाट? बी. आगे बढ़ सकते हैं यहां से, बहुत इजी है ये सब. ऐसा ड्रॉ मतलब एग्जाम में रफ में करने का, मेंटली कुछ भी काम नहीं करने का ठीक है ना. क्या होता ना कभी कभी आप सोचते कुछ और टिक कुछ और हो जाता है बराबर. तो जो भी है रफ शीट्स आपको मिलते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, तो वो यूज करने का. पूरा एग्जाम फीस भरा हुआ है अपन ने, भरा है ना वसूल करने का उसको. सही है ना एकदम? यस. चलो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. अभी ट्रू नहीं, अभी क्या बोला है? फॉल्स. कौन सा फॉल्स है? इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ फर्म. किसके बारे में बात हो रही है? ये फिक्स्ड कॉस्ट. एज द फिक्स्ड इनपुट्स ऑफ अ फर्म कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट व्हेन द प्राइसेस ऑफ फिक्स्ड इनपुट्स चेंज. ये टूरू है, पूछो क्यों. देखो शॉर्ट रन में अगर इनपुट्स फिक्स्ड है तो उसकी कॉस्ट भी फिक्स्ड रहेगी, बट अगर उस इनपुट की ही कॉस्ट बढ़ गई तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी. बोलो नहीं समझा, बोलो ना नहीं समझा. समझा पक्का? यस सर. मेरा रेंट ये फिक्स्ड है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतने का रेंट दे रहा हूं मैं, तो मेरा रेंट का कॉस्ट क्या हुआ? फिक्स्ड. बट अगर उस लैंडलॉर्ड ने क्या रेंट बढ़ा दिया तो मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा ना, वो बात है. तो इट इज ट्रू. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड इन द शॉर्ट रन, बट दे एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन इवन व्हेन प्रोडक्शन इज नॉट. क्या क्या बोलना चाह रहे? सोच समझ के जरा जवाब दीजिएगा.
डिकोड करो इसको, हर ऑप्शन को केयरफुली इवेल्युएट करना है। बताइए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन द प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड इन द शॉर्ट रन, यह बात सही है। अब आगे क्या बोला है, बट, दिस बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन इवन व्हेन प्रोडक्शन इज नॉट स्टॉप्ड। बट दे एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन, तो ये भी ट्रू है कि फॉल्स है? चक्कर आया ना अभी थोड़ा, ऐसे उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ो। TFC continue to exist when production is stopped in the short run. आगे का पढ़ते हैं तब तक जरा, ये तो true है, ये decide हो गया A वाला। TFC can be defined as total sum of the cost of all the fixed inputs associated with the production. Yes, this is true. In the short run, a firm's fixed cost cannot be escaped even when the production is stopped. ये भी true है। अरे सर अभी ये सभी true लग रहे थे। बोलो क्यों है, वो रीजन भी देना पड़ेगा। हाँ, टोटल फिक्स कॉस्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट व्हेन द प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड इन द शॉर्ट रन, बट दे एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन इवन व्हेन प्रोडक्शन इज ऐसा है वो नहीं समझे। In the long run, all costs are variable. समझे क्या बात को? हाँ, so this statement is false because in the long run, इधर क्या लिखा है, long run में production नहीं होता है, planning होता है। अच्छा सोनम सिंह जी, दीदी कहा बोल रहे हो, कहा बोल रही है छोरी? long run में production नहीं होता, planning होता है। काय का प्लानिंग कर रही तू लॉन्ग रन का? हा? कुछ भी मत बोलो, लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन हो प्रोडक्शन तो होगा ना। शॉर्ट रन में एक कॉस्ट फिक्स्ड होगी, बाकी वेरिएबल होंगे, बट लॉन्ग रन में ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल, सो दे विल नॉट एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन। वो बोलता है दे एग्जिस्ट, बट वी आर सेइंग दे विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑल कॉस्ट विल बी वेरिएबल। समझे क्या? लॉन्ग रन में क्या मैं फिक्स्ड कॉस्ट को भी स्टॉप करा सकता हूं क्या? हाँ, देखो शॉर्ट रन में अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल समझो, समझाता हूं सोनम जी, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी बोल रहे, प्लानिंग होता है बोले। अब समझो बात को भाई, सुनो ना, मैंने अभी मान लो शॉर्ट रन में सोचा कि क्लासेस नहीं लेना मेरे को, क्लासरूम तो मैंने जो मेरा एक साल का किराया मेरे को भरना है, मैं क्लासेस लू या ना लू क्या होगा? मेरे को किराया तो भरना ही पड़ेगा ना, इट इज फिक्स्ड। लॉन्ग रन की बात करते हैं, अगर मैं लॉन्ग रन में प्रोडक्शन करूं, मैं मेरे क्लासरूम बड़ी भी कर सकता हूं, वेरिएबल भी हो सकता है वो। लॉन्ग रन में अगर मैं प्रोडक्शन स्टॉप करूं तो मैं ये एलिमिनेट भी कर सकता हूं, नहीं करूं तो वो कॉस्ट मेरी वेरिएबल होगी लॉन्ग रन में। सही है ना एकदम? यस सर। तो इसीलिए आंसर इज व्हाट, 65 का बी। चलो क्वेश्चन नंबर 66, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स For the first four units of variable input is exhibited by the TP sequence. आहा, कौन से TP sequence में आपका ये होगा? देखो इसमें तो क्या है, 0 0 0 है, A तो नहीं है, फिर ये 50 50 50 है, तो ये constant हो गया ये। अब यहां पर बताओ इसमें क्या हो गया, 60 70 80, तो ये इंक्रीजिंग है, अपने को क्या चाहिए, डिमिनिशिंग, तो क्या हो गया 40 30 20, आंसर इज व्हाट, डी। समझा गया? नहीं समझा कि इसको हाथ ऊपर करो, ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना, नहीं समझाना छोरी, नहीं समझाना, फिर पूछने का ना लगेज, शक्ल बिगाड़ेगी। हाँ क्यों, पी ले फिर मैं समझाता हूं। इधर क्या हुआ, एमपी क्या है अपना, 0 0 है ना,
इधर क्या हुआ 50-50-50 है ना, एमपी एमपी निकालना है 50-50-50 है, इधर एमपी क्या है 60-70-80 इंक्रीजिंग हो गया ना ये, बट इधर क्या है 40-40-30-20 तो डिक्रीजिंग किधर है, इधर है ना, ये आंसर है बेस्ट 67। कम ऑन गाइस, यूज द फॉलोइंग डायग्राम टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। वाओ, लो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, क्या लिखा है, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड यूनिट ऑफ लेबर इज डैश, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड यूनिट ऑफ लेबर, थर्ड यूनिट कैसे निकालने का मालूम है डायग्राम को, थर्ड यूनिट इसका जो है ये टीपी है 20, सेकंड पे है 14, तो कितना हुआ एमपी 6, समझा ऐसा। इधर प्रॉब्लम क्या होता है ना दोस्तों, बच्चा जो है ना ऐसा भारी डायग्राम देखा, कंफ्यूज, डर लगता है उसको, बराबर डर लगता है, गला सूखता है, बराबर है कि नहीं, बट डर के आगे जीत है। तो आंसर क्या है 6, ऐसा है क्या अपना 6? अरे भाई सबके फर्स्ट इसमें 6 है, तो अभी और थोड़ा दिमाग लगाना है, तो यहां पे अपन 6 लिख देंगे। द एमपी ऑफ द डैश लेबर इज नेगेटिव, यहां पे इसका देखो, यहां पे टीपी जब नेगेटिव होता है तब एमपी नेगेटिव होता है यहां पे, तो 6 का नेगेटिव है, तो आंसर इज 6 6। बेस्ट है एकदम, किसी को क्वेरी डिफिकल्टी गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, ओके, इन द थर्ड ऑफ द थ्री स्टेजेस, अच्छा उसी के लिए है क्या, नहीं एक ही क्वेश्चन है, इन द थर्ड ऑफ द थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है दोस्तों, थर्ड स्टेज में, थर्ड स्टेज में एमपी कर्व हैज पॉजिटिव स्लोप, नाउ एमपी कर्व लाइज कंप्लीटली बिलो एवरेज प्रोडक्ट कर्व, यस, टीपी इंक्रीज इज नो, एमपी इज पॉजिटिव नो, थर्ड स्टेज में एमपी इज नेगेटिव ना, बोलो ना, सो 68 आंसर इज बी। 69, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट आर बिलो एवरेज टोटल कॉस्ट, बोलो फिर क्या कॉस्ट की बात हो रही है ना, ये कौन सा कॉस्ट कर्व है एमसी, ये है एबीसी, बराबर है, ये है एएफसी, ये एएफसी और बना रहा, और ये है एटीसी। अब बोलो व्हेन, अभी क्वेश्चन को इज्जत देना पहले, क्या बोला क्वेश्चन में, When MC are below average total cost, मतलब ये वाले पार्ट की बात हो रही है, ये इस पार्ट की बात हो रही है, because MC is below what, average total cost, average fixed costs are rising, हाँ पागल, average fixed cost will always falling, गिरा हुआ है वो, कल ही बात हुई थी अपनी, average fixed cost is falling ना, एवरेज टोटल कॉस्ट इज फॉलिंग, दिख रहा है फॉलिंग है, दिख रहा है, बट वेट, एवरेज टोटल कॉस्ट आर राइजिंग, नाउ एवरेज टोटल कॉस्ट आर मिनिमाइज्ड, नो दिस पार्ट में मिनिमाइज थोड़ी है, सो व्हाट्स द आंसर 69 का बी, जम रहा है क्या, इसीलिए डायग्राम पूरे सबके बनाने के, समझा गया बात को, एकदम ईजी जाता है। 70, a firm's long run average total cost curve is identical to long run marginal cost curve, also its long run supply curve, in fact average total cost curve of the optimal plant in the short run as it strives to produce at least cost tangent to all the curves of the short run average total cost curve। मेरे को इसका आंसर क्या लग रहा है, 70 का डी लग रहा है मेरे को, बाकी के ऊपर सोचने का भी नहीं, क्योंकि आप देखो ना ये SAC 1 SAC 2, SAC मतलब समझ रहे हो क्या, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, यानी SAC 3, फिर इसका अपन एक स्मूथ कर्व जब ड्रॉ करते हैं तो ये अपना हो जाता है LAC, अरे बोलो ना, दिस इज व्हाट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व,
सो व्हाट द करेक्ट आंसर? डी। 70 तक हो गया भाई, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? आगे इन द लॉन्ग रन, चलो 71। इन द लॉन्ग रन इफ अ वेरी स्मॉल फैक्ट्री वर टू एक्सपांड इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशन, इट इज लाइकली दैट इट विल इनिशियली एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन पॉल्यूशन लेवल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। कितना ये ज्यादा हो गया ये। इनिशियली वी विल फील इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देन एट द लेटर स्टेजेस विल स्टार्ट फीलिंग वॉट? डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अफर्म्स, ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? 70 and 72 इज सेम क्या? हाँ, सारे ऑप्शंस भी सेम दिख रहे हैं। वाओ, ऐसा है ना, कभी कभी एग्जाम में भी होता है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो इमोशनल होकर ऐसा मत करना कि उसका एक अलग लिखता हूँ, इसका एक अलग लिखता हूँ, कोई तो एक राइट तो मिल ही जाएगा। होता है एग्जाम में, बहुत सी बार हुआ भी है, क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं, ठीक है ना? अपने टेस्ट में भी हुए होंगे कभी कभी, हर बार होता है ऐसे, तो ऐसा होता है, वो भी आपको बताना चाह रहे था। 73। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल? बताओ। डबलिंग ऑफ ऑल द इनपुट्स यूज्ड लीड्स टू डबलिंग ऑफ द आउटपुट, इसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड बच्चों, दिस इज कॉन्स्टेंट। Increasing the inputs by 50% lead to 25%. This is decreasing. Inputs increased by 1/4 leads to increase in output by 1/3. कैसा एड़ा बनाया आपको? 1/4 और 1/3 बोल के बच्चे को क्या लगेगा अभी? भाई इसमें तो कम हो रहा है, तो ये भी डिक्रीजिंग है। नहीं समझे बोलो। अरे 1/4 मतलब कितना हो गया? 25% एंड 1/3 मतलब 33.33%। ऑप्शन देखो कितना खूबसूरती से बनाया। सो इंक्रीज इन आउटपुट बाय 25% लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट बाय 33%। सो मतलब ये हो गया ना इंक्रीजिंग। सो आंसर इज व्हाट? सी, और बकायदा क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी भी देखो कैसा दिया, एकदम स्मार्ट तरीके से, नन ऑफ द अबव। तो बच्चा तो भारी 1/4 दिया और 1/3 मिला, अरे कम हुआ ना, उसको ऐसा लगेगा, उसको 1/4 1/3, 4 इज मोर 3 इज लेस। हाँ अभी ऐसा लगता, बहुत भारी है सर, अरे भाई इतना गलती नहीं होगा हमसे, बोलो एग्जाम के प्रेशर की बात जो होती है ना वो अलग होती है सर, ठीक है ना? यस। सो 73 का आंसर क्या हुआ दोस्तों? वेरी गुड। The marginal cost of a firm producing 9th unit of output is 20. Average cost at the same level of output is 15. Which of the following must be true? क्या लिखा है आपको समझा गया? MC is 20 and AC is 15. So which of the following must be true? Both MC and AC both are falling. MC and AC both are rising. MC is rising and average cost is falling. It is impossible to tell if either of the curves are rising or falling. क्या करेंगे? ऐसे आंसर देने के लिए क्या करना है? डायग्राम बनाने का। This is MC. बराबर है? And we want is MC के बाद this is average cost. सही है? Yes. So अब 9th unit पे, अभी unit किधर आएगा? X axis पे या Y axis पे? Units quantity किधर आएगी? हाँ, X axis पे। तो this is the, अगर मुझे देखना है 9th unit पे MC is 20. So, ये 9th unit इधर लिखता हूं मैं,
दिस इज 20, सो एम सी मान लो दिस इज 9th यूनिट, ओके, एंड देन आई एम सेइंग दैट द एवरेज कॉस्ट एट द सेम लेवल इज व्हाट, 15. तो 9th पे ये इधर 15, बराबर, ये एवरेज कॉस्ट इधर आया, ये इधर आया, ये 15. तो क्या दिख रहा है यहां पे 9th यूनिट पे, दोनों क्या हो रहे हैं, मिनिमम पे दिख रहा है ये, एक एक तो बढ़ रहा है, एमसी इज राइजिंग, वो तो दिख रहा है, एसी का बताओ भाई कि बोथ आर राइजिंग सर, मतलब अगर प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे तो क्या दिखेगा, ये इसका भी ये अपवर्ड स्लोपिंग है इधर, और ये मिनिमम पे आ गया, और यहां से अभी ये ऊपर ही जा रहे हैं ना ये, या फॉलिंग फॉलिंग वाला तो नहीं है, बोथ आर फॉलिंग वाला भी नहीं है, एमसी इज राइजिंग एंड नहीं, अगर मैं देखो रुको, मेरे को एक्चुअली जाना किधर है, मेरा क्वांटिटी इधर है ना, ये रुको अलग कलर से, कितना टाइम है सर आपके पास आज, बहुत सारा, हाँ ऐसा, फिर भी पढ़ाऊंगा, सर क्या करना चाह, दिस इज 9th यूनिट, ठीक है अब, ठीक है अब देख लो, ये हो गया 20 और ये हो गया 15, ये 9, हाँ अब डायग्राम बन गया सही से, अब बोलो क्या दिख रहा है, एमसी तो राइजिंग है, और अब यहां पे ये जो है ना, ये भी देखो ये मिनिमम पे पहुंच के ये भी क्या हो रहा है सर, ये भी बढ़ ही रहा है ना ये तो, सो व्हाट्स द आंसर, हाँ बोलो ना कुछ, बी ना, पीछे चेक करो एक बार, आंसर चेक कर लो भाई एक बार, क्या है वो दूसरा रहेगा तो फिर अपने को डिस्कस करना पड़ेगा, इमोशनल होकर बच्चा क्या करता है, क्वांटिटी कम ज्यादा कर लेता है, अमाउंट वो रखता है बट क्वांटिटी क्वांटिटी 90 रहना चाहिए वो, है ना, उसके हिसाब से 75, चलो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइस, इम्प्लिसिट कॉस्ट पहले कॉन्सेप्ट बताना, व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, हाँ जी अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस समथिंग, क्या समथिंग, नॉर्मल रिटर्न ऑन ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समथिंग मनी, सो मनी पेमेंट्स, और वो कल हम लोग देख रहे थे कुडैव कुडैव है ना, वो वैसा कुछ, सो मनी पेमेंट्स मेड टू द नॉन ओनर्स ऑफ द फर्म फॉर द सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एंड देयरफॉर नॉट एंटर्ड इन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मनी पेमेंट्स मेड टू द नॉन ओनर्स ऑफ द फर्म, ये क्या होता है, इट इज मेड टू द ओनर्स ऑफ द फर्म ना, ऑन द ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना, नहीं समझे, बोलो कुछ कुछ बोलो, क्वेश्चन नंबर 75 पे है हम लोग, इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब हमने क्या बोला था कि इट इज अकाउंटिंग कॉस्ट, गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे जो देख रहे हैं वो ध्यान दो, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस नॉर्मल रिटर्न
ऑन ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सही है, बोलो ना कुछ। तो ये जो ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये किसको मिलेगा? ये ओनर को मिलेगा या नॉन ओनर को मिलेगा? ओनर को मिलेगा ना ये तो यहां पे क्या लिखा है? नॉन ओनर लिखा है, तो ये थोड़ी आंसर है अपना। समझ में आया क्या? इस ये ऑप्शन किस वजह से हट गया, ये लॉजिक समझिए दोस्तों। ये ऑप्शन किस वजह से हटा, ये समझा गया? बिकॉज ऑफ नॉन ओनर्स आ गया। मनी नॉट पेड टू दी ओनर्स ऑफ द फर्म फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ ओन फैक्टर्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एंड देयरफॉर नॉट एंटर्ड इनटू द बुक्स। व्हाट इज इंप्लिसिट कॉस्ट? मनी विच इज नॉट पेड आउट टू दी ओनर्स ऑफ द फर्म फॉर द सेल्फ ओन फैक्टर्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। मनी पेमेंट्स विच द सेल्फ ओन्ड एंड एम्प्लॉयड रिसोर्सेस कुड हैव अर्न इन देयर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट एंड देयर फॉर इधर इधर गलत कर दिया, देयर फॉर एंटर्ड इन टू द बुक्स ऑफ, दीज आर नॉट एंटर्ड इन टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना। ये यहां तक अच्छा चल रहा था, ये जो ना ये वाला पार्ट सही बोल रहे थे ये, कि ये जो है मनी पेमेंट्स ऑफ विच द सेल्फ ओन्ड एंड एम्प्लॉयड रिसोर्सेज कुड हैव अर्न, अच्छा लग रहा था ये। बट उन्होंने प्रॉब्लम कहां क्रिएट कर दी? क्या बोल के प्रॉब्लम कर दी उन्होंने? एंटर्ड इन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। भाई ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स थोड़ी एंटर होता ही है, बोलो ना कुछ। सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट इज एंटर्ड इन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना, दिस पार्ट इज नॉट एंटर्ड इन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बराबर ना? हाँ, तो वहां प्रॉब्लम हो गई। तो सी वाला ऑप्शन क्यों कट हुआ, समझ में आया आपको? क्यों कट हुआ? एंटर्ड इनटू, एक एक चीज को इवेल्युएट करना। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्यों हटाया? क्योंकि नॉन ओनर्स के वजह से। मनी पेमेंट्स विच द सेल्फ ओन्ड एंड एम्प्लॉयड रिसोर्सेज अर्न, मनी पेमेंट्स विच द सेल्फ ओन्ड एंड एम्प्लॉयड रिसोर्सेज अर्न कुड हैव, इधर क्या बोला उन्होंने? कुड हैव बीन अर्न, और यहां पे भी क्या बोला? और दे अर्न। अरे भाई, बट वी डू नॉट अर्न एक्चुअली। देखो दूसरा तो इन्होंने क्या बोला अभी? देयरफॉर एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहां पे, अब आप समझो। यहां पे ये दो चीजें देखो, कुड हैव अर्न्ड एंड अर्न्ड, यहां पे वो बोलते मिल सकता था और इसीलिए हमको सही लगा, बट खुद के इस पे अपने को पैसा नहीं मिलता रे। हमें मिल सकता है बट कोई देता नहीं है भाई, बोलो। नहीं समझा? नहीं समझा? ये चीजों पे फोकस करो। इधर फर्स्ट देखो, सी और डी में ये दोनों ऑप्शंस आपको सेम लगेंगे, इसमें डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे सर दोनों तो सेम ही लग रहे हैं ना, बट अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इधर लिखा है, ध्यान से देखना है, इधर लिखा है कुड हैव अर्न और यहां पे वो बोलता है इट इज अर्न्ड। कुड हैव तो सर हाँ ये इंप्लिसिट है, बट उन्होंने प्रॉब्लम कहां क्रिएट कर दी? ये कह के कि इट इज एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो तो नहीं है। अब यहां पे उनका क्या कहना है? जो अर्न हुआ है उसको तो बुक्स में डालेंगे ही ना, जो अर्न हुआ है वो बुक्स में डालेंगे ही। बट भाई इंप्लिसिट कॉस्ट में सेल्फ ओन फैक्टर्स पे आपको कौन पैसा देगा भाई? कोई नहीं देगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं यहां पे काम कर रहा हूं, तो मेरे को कोई बाहर वाला पैसा देगा क्या लाके के लिए? हर्षित तेरा मेरा धंधा, मेरे को कोई बाहर वाला देगा पैसा? इसलिए तेरी सैलरी, तू तेरे बिजनेस में काम कर रहा है इसके लिए मैं तुझे सैलरी दूंगा। समझो, वापस से बोलता हूं, मैं मेरे बिजनेस में काम कर रहा हूं, इसके लिए कोई बाहर से मुझे पैसा देगा कि ले भाई हर्षद तू तेरे बिजनेस में काम कर रहा है ना इसके लिए मैं तुझे सैलरी दे रहा हूं? ऑब्वियसली नॉट। सो यहां पे ये अभी डी वाला ऑप्शन क्यों कट हुआ, समझ में आया आपको? क्योंकि यू कैन नॉट अर्न, इट इज ऑलवेज कुड हैव बीन अर्न। आई बात समझ में? सो व्हाट्स द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर? बी, कि बाबा मनी नॉट पेड टू द ओनर्स, मुझे ये नहीं मिल रहा है बट मिल सकता था अगर मैं मेरे फैक्टर्स कहीं और जगह पे एम्प्लॉय करता तो।
सही है ना? हाँ 76, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू, बोलो, इनोवेट। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम अकाउंटिंग कॉस्ट, समझते हो? इकोनॉमिक कॉस्ट कौन सा होता है? इम्प्लीसिट, और अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब एक्सप्लीसिट। ऐसे लिख के रखने का इधर, क्यों? क्योंकि क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हो। एग्जाम में इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट की जगह आपको बोलेंगे इम्प्लीसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफर्स फ्रॉम एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो हैंग नहीं होने का बेटा, हिम्मत मत हार, बस थोड़े क्वेश्चन रह गए, यू कैन डू इट। मोर फाइव, फोर क्वेश्चन, फाइव क्वेश्चन, 77, 78, 79, 80, 81, 82, ओनली सिक्स क्वेश्चन, यू कैन डू इट बाबू, स्टे स्ट्रांग, है ना? थक गया अब बच्चा, थक गया? नहीं थका, हाँ ठीक, चल। सो इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड एक्सपेंडिचर्स फॉर हायर्ड रिसोर्सिस, वाइल अकाउंटिंग कॉस्ट डू नॉट। नहीं रे भाई, नहीं ना, अकाउंटिंग कॉस्ट भी इंक्लूड करता है तो ये गलत है। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच आर डिड, ये डा ये कह रहे हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर्स फॉर हायर्ड रिसोर्सेस वाइल इकोनॉमिक कॉस्ट डू नॉट। इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट एट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ फर्म विच यूजेस इट्स ओन रिसोर्सेस, यस। सो 77 आंसर इज व्हाट? डी। इन द फिगर बिलो पॉसिबल रीजन व्हाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व अप्रोच इज द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एज आउटपुट राइजेस। एवरेज कौन सा? वेरिएबल कॉस्ट कर्व अप्रोचेस एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, ये एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है ना, ये जा रहा है उसको मिलने, किसको? एबीसी को। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि एएफसी जो है ना, एएफसी इस पॉइंट के बाद फिर क्या होता है, एएफसी तो थ्रू आउट कम होते ही जाता है, जानबूझ के इधर इन्होंने एएफसी के बारे में बात ही नहीं करी, एएफसी तो गिरते जाता है। तो अपना लॉजिक आप सबको पता है, एएफसी स्टार्टिंग में गिर रहा है बोलो, एबीसी भी स्टार्टिंग में गिर रहा है बोलो, इसीलिए एटीसी भी क्या होगा, गिरेगा। फिर क्या हुआ, एएफसी तो गिर ही रहा है बोलो ना कुछ, एएफसी तो गिर ही रहा है, एबीसी आ गया मिनिमम पे, तो इसके लिए एटीसी भी मिनिमम पे हो गया, बोलो हाँ या ना? फिर उसके बाद क्या हुआ, बोल रहे क्या? नहीं, इसके बाद एएफसी तो गिर ही रहा है बट एबीसी बढ़ रहा है, तो एएफसी का इतना लोड नहीं है, एएफसी गिर रहा है बट क्या बढ़ रहा है, एबीसी, तो इसके लिए एटीसी भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे और आउटपुट बढ़ते जाएगा एएफसी तो नेग्लिजिबल होते जाएगा बट एबीसी बढ़ते जाएगा, इसके लिए एटीसी का जो स्लोप रहेगा वो किसके जैसा होगा, एबीसी का। समझ में आया? क्योंकि एएफसी वहां पे नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये वो डायग्राम का कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी तक ना, आपने अभी तक ऑप्शंस को पढ़ा है, अभी हम लोग ने सिर्फ वो कॉन्सेप्ट को समझा है, अब हम लोग ऑप्शंस को पढ़ेंगे। फिक्स कॉस्ट आर फॉलोइंग वाइल द टोटल कॉस्ट आर राइजिंग एज दी राइजिंग एट द राइजिंग आउटपुट, टोटल कॉस्ट आर राइजिंग एंड एवरेज कॉस्ट आर ऑल्सो राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट आर अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एज आउटपुट राइजेस, एवरेज फिक्स कॉस्ट आर फॉलोइंग एज द आउटपुट राइजेस। चलो 78 आंसर इज व्हाट? डी। समझा गया? जानबूझ के इन्होंने इस पूरे डायग्राम में एमसी एटीसी एबीसी दिया बट दे डिड नॉट टॉक अबाउट एएफसी। इसमें क्या हो जाएगा ना दोस्तों, आप फोकस करोगे एफसी पे, टीसी पे और एमसी पे, समझ में बात को?
इसीलिए अपना मतलब बिना ऑप्शंस या बिना क्या होता ना, ऑप्शंस जब डायरेक्टली पढ़ना चालू कर देते हो ना तो क्या हो जाता है, वो कंफ्यूजन फिर वहां पे आ जाता है. दिस इज व्हाट यू नीड टू डेवलप द स्किल. कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है, समझे बात को. सो इसीलिए एएफसी ड्रॉ करने का, पूरे सारे डायग्राम में एएफसी मिसिंग है ना, काय को मिसिंग है भाई, लगाना उसको भी. तो फिर आपको अभी दिख रहा है क्या यहां पे बराबर से, आप वो कलर स्कीम देखो आपके लिए बराबर से बनाया कि स्टार्टिंग में तीनों गिर रहे इसके, मतलब दोनों गिर रहे हैं एबीसी और एएफसी, तो इसके लिए एटीसी गिर रहा है. फिर उसके बाद एएफसी तो गिर ही रहा है, एबीसी मिनिमम पे हुआ इसके लिए एटीसी मिनिमम पे आया, बट एएफसी तो कंटिन्यूअसली गिर ही रहा है ना, बट एबीसी बढ़ रहा है तो इसके लिए. अब वो क्वेश्चन में क्या बोला कि एटीसी एबीसी को क्यों मिल रहा है, और एक ऐसा स्टेज आएगा कि एएफसी और सॉरी एक ऐसा स्टेज आएगा एटीसी और एबीसी एक ही हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि एएफसी गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, और एक पॉइंट के बाद वो इतना नेग्लिजिबल हो जाएगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी वहां पे. समझ रहे बात को? ऐसा तो आप अपने उस सॉल्यूशन में एएफसी का कर्व ड्रॉ करिए ना मलिक, है ना? यस. क्वेश्चन नंबर 79 एमसी, अब पढ़ने तो दो, जाना है क्या आपको जल्दी. एमसी मार्जिनल कॉस्ट चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन टीसी एसी वीसी, बोलो टोटल कॉस्ट चेंज हुआ इसके लिए. बोलो व्हाट इज द आंसर. पता है क्योंकि मेन फिक्स तो फिक्स ही रहता है ना, एमसी आता है किसके वजह से, वेरिएबल कॉस्ट. वाह, तीन क्वेश्चन बाकी भाई सिर्फ. अब वहां पे अभी लास्ट पेज पे आ गए तो नीचे आंसर मत देखना लगे फटाफट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फिक्स कॉस्ट चेंजेस, फिक्स कॉस्ट वेरी विद द चेंज. चुप. इफ यू हैड टीवीसी, इफ यू हैड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट. वाओ, ये तो ऑब्वियस है ना, समझ में आ रहा है ना, बहुत फालतू है ये. मार्जिनल कॉस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, बिना पढ़े टीसी इज ऑप्टेंड बाय एडिंग फिक्स्ड एंड टू. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एलएसी कर्व इज कॉल्ड एज द प्लानिंग कर्व ऑफ द फर्म. यस, टूरू. टीआर इज इक्वल टू प्राइस इन टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, टूरू. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्टरनेटिव कॉस्ट, टूरू. एंड फिर क्या हो गया इसका आंसर 80 का डी. इफ टी आर इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वी गेट एम आर. बेटा ए आर मिलता है ना, द वर्टिकल डिफरेंस. ओहो, वो भारी है ये क्वेश्चन, ऑप्शन मत देखना. द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीसी इज इक्वल टू, वो क्या है ना बच्चा, ये पढ़ता है वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन, सॉरी व्हाट इज वर्टिकल डिफरेंस, वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीसी, व्हाट इज इट कॉल्ड, द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीसी इज व्हाट. अब देखो क्या है ना, ये कैसा है आपको बताता हूं मैं. दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज टोटल कॉस्ट. अब किसके बीच में पूछा है वो, टीवीसी एंड टीसी, ठीक है ना, तो वर्टिकल डिफरेंस पूछा है. वर्टिकल मतलब अगर बताओ मुझे ये इधर ऐसा निकाले, ये ऐसा वर्टिकल, सही बात है ना. नाउ दिस इज व्हाट, मतलब ऐसे फालतू है, ऐसे कोई ऐसे खास नहीं है, वो वर्डिंग्स इतने भारी भारी वर्ड यूज करेंगे ना. हाँ बोलो, वर्टिकल डिफरेंस भाई शपथ. अरे भाई देखो ये क्या है, टोटल कॉस्ट, और ये क्या हुआ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस मतलब क्या हुआ,
क्या पूछा, ये पूछा ना टीवीसी और टीसी के बीच में का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट ही होगा ना, टोटल फिक्स कॉस्ट होगा, दैट इज द वर्टिकल डिफरेंस। इस टोटल कॉस्ट में से, हेलो नहीं समझा ना अभी भी, हाँ रिलैक्स ना, इधर इधर फोकस करें, इधर वैसे डरने का नहीं कुछ भी, सर है अभी जिंदा है। ये टोटल कॉस्ट है, इसमें से मेरा बच्चा ये जो है ये क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया ना, वर्टिकल डिफरेंस। तो बचा क्या, ये बचा ना वर्टिकल डिफरेंस। अरे उस लाइन पे, ये लाइन है ना वर्टिकल लाइन, इसमें ये टोटल कॉस्ट है, इसमें से ये वेरिएबल कॉस्ट हटा दो तो ये जो बचा, ये जो बचा ये क्या बचा, फिक्स कॉस्ट। सो ये टोटल फिक्स कॉस्ट, नहीं तो ऐसा भी नहीं मालूम ना। तो भाई सिंपल है रे, टी सी माइनस टी वी सी इज इक्वल टू टी एफ सी, ये तो वैसे भी पता है अपने को, बट मैं ये क्यों समझा रहा था ऐसा, ये वर्टिकल डिफरेंस का मतलब क्या है ये समझाने की कोशिश कर रहा था। सही है एकदम बात, यस। सो दोस्तों यहां पे खत्म हो जाता है अपना कौन सा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट। अब अपना एक चैप्टर बचता है, दो चैप्टर बचते हैं अपने, मार्केट और बिजनेस साइकिल। तो शेड्यूल आपको बता दूं ऐसा एक बार फिर से आपको समझा दूं कि शेड्यूल कैसा क्या रहेगा करके। तो देखिए अभी जो है ना, मैं डिमांड सप्लाई और यूटिलिटी के लेक्चर्स आपके लिए ऑलरेडी, मैंने ब्रह्मास्त्र के हिसाब से आपके लिए ऑलरेडी वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, वो उसके लगभग 9 लेक्चर्स होंगे। कितने सारे लेक्चर्स होंगे, 9, डिमांड सप्लाई और कंज्यूमर बिहेवियर। तो कितने लेक्चर्स हो गए उसके, 9, बकायदा लिख के अच्छे से जैसे अपन रेगुलर क्लास में करते हैं वैसे। तो ये फास्ट ट्रैक जितना डिटेल में भी नहीं है, रेगुलर इतना भी डिटेल में नहीं है, ये रिविजन इतना भी कम नहीं है, मतलब थोड़ा बीच में, ठीक है ना। तो क्विक रिविजन्स, क्विक डिटेल्ड रिविजन के लिए काफी अच्छा है ये। तो वो 9 लेक्चर्स जो है, आप आने वाले जो दिन होंगे 21 से लेके दिवाली खत्म होने तक, मतलब 2nd of November तक वेकेशंस रहेंगी आपकी, तो तब तक आप उस उन दिनों में आप वो लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3rd को मिलेंगे, 3rd नवंबर को, 3rd नवंबर, 4th नवंबर, जैसे टाइम में अपने ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, यूट्यूब पे भी अपडेट कर दूंगा, नीड नॉट वरी। तो वो हिसाब से फिर हम लोग नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा मार्केट, उसको हम लोग स्टडी करेंगे। अगर टाइम कहीं नहीं बैठता है तो आई विल टेक इट लेट इन द इवनिंग, अराउंड 7:30 वगैरह, 7:30 to 8:30 रोजाना सेशन लूंगा फिर, ठीक है, ऐसा कुछ जमाएंगे। ओके ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट 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 वेकेशंस, विश यू गाइज अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली, है ना। थोड़ा सा एंजॉय करना, ज्यादा मत करना क्योंकि एग्जाम्स है आपकी, ठीक है। यस मेरा फाइनल का नवंबर अटेम्प्ट था तो मुझे पता है दर्द क्या होता है उसका, बट कोई बात नहीं, मैंने उस समय पे अच्छे से पढ़ा तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ। दिवाली को एक दिवाली सेक्रीफाइस करी थी, उसके बाद दिवाली ही दिवाली थी। तो आप भी ये दिवाली सेक्रीफाइस करो, आपकी भी दिवाली दिवाली होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।